लॉजिक बिल्डिंग इन नाइन्टी डेज़ के डे वन में जो प्रॉब्लम थी उसका नाम था हलाउमी बॉक्सेस कोर्ट फोर्सेस पर ये प्रॉब्लम थी और ये वीडियो है उसके सोल्यूशन की तो अगर आपने इस प्रॉब्लम को पहले सॉल्व नहीं करी है तो जाइए पहले ये प्रॉब्लम सॉल्व करिए मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा सो so क्वेश्चन कह रहा है कि थियोफेनिस इज बिजी आफ्टर हिज लास्ट कॉन्टेस्ट एंड नाउ ही हैज टू डिलीवर मैनी हलाउमीज ऑल ओवर द वर्ल्ड नाउ ही स्टोर देम इनसाइड एन बॉक्सेस तो एन बॉक्सेज हैं उसमें वो कोई सामान है हलाउमी जिसे इकट्ठा कर रहे हैं एंड ईच ऑफ विच हैज सम नंबर सबके पास कुछ नंबर है और वो उसे सॉर्ट करना चाहता है नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में नॉन डिक्रीजिंग का मतलब होता है या फिर इंक्रीज करे या फिर बराबर रह जाए कभी डिक्रीज ना हो बेस्ड ऑन देअ नंबर हाउ एयर हिज मशीन वर्कस इन अस्ट्रीज इट कैन ऑनली रिवर्स ऑनली सब एरे ऑफ बॉक्सिस विथ लेंथ एट मोस्ट के के लेंथ के सब एरे को रिवर्स कर सकता है उसकी ऐसी मशीन है सो फाइंड इफ इट इज पॉसिबल टू शॉर्ट द बॉक्सिस यूजिंग एनी नंबर ऑफ रिवर्स ओके okay, उसे एक एरे गिवन है और क्या गिवन है और वो रिवर्स कर सकता है बेसिकली सिंपल है टी टेस्ट केसेस गिवन है हर टेस्ट केस में कंटेंस इंटीजर एन एंड के एन क्या है नंबर ऑफ बॉक्सेस हैं के क्या है एट मोस्ट एट मोस्ट के साइजेज़ के हलाउमी को रिवर्स कर सकता है एट मोस्ट का मतलब अगर के की वैल्यू टेन गिवन होगी तो नाइन एट सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन इतने सवेरे वो चूज़ करके उसको रिवर्स कर सकता है and uh, the number of boxes and the length of maximum reverse that theophan mm, theophanes bada jeep sana mein the second line of integer contain n theek hai to dekho test case given hai panch test cases hai pehla 3 yani size of allow me boxes number of allow me boxes 3 hai दो बोला जा रहा है के की value दो है यानी वो एट मोस्ट दो size का सबेरे choose कर सकता है और उसे reverse कर सकता है So let's take an example, suppose मेरा ये है वन टू थ्री के की वैल्यू गिवन है थ्री थ्री का मतलब क्या होता है कि के की वैल्यू वन भी ले सकता है के की वैल्यू टू भी ले सकता है के की वैल्यू थ्री भी ले सकता है तो ये ऑलरेडी सॉर्टेड है क्या हमें इसे सॉर्ट करने की जरूरत पड़ेगी बिल्कुल नहीं सो ऑलरेडी सॉर्टेड है हमारा आंसर क्या देना है yes यस देना है तो ये बिल्कुल यस yes हो जाएगा सेकेंड टेस्ट केस देखते हैं नाइन 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 ये भी ऑलरेडी सॉर्टेड है ठीक है नाउ लेट्स चेक फॉर सिक्स फोर सिक्स फोर टू वन बोला है कि K की वैल्यू कितनी की मैंने सिक्स फोर टू वन पे K की वैल्यू फोर की मैंने एक काम करते हैं K की वैल्यू फोर का मतलब क्या हम फोर साइज की चीज़ को रिवर्स कर सकते हैं थ्री साइज की चीज़ को रिवर्स कर सकते हैं टू के लिए भी सेम काम कर सकते हैं एक काम करते हैं K की वैल्यू टू हर बार पिकअप करते हैं तो पिक कर लिया सिक्स और फोर में रिवर्स कर दिया फोर सिक्स देन टू और सिक्स को स्वैप कर दिया टू यहाँ पहुँचा सिक्स यहाँ पहुँचा वन और सिक्स को रिवर्स कर दिया वन यहाँ पहुँचा सिक्स यहाँ पहुँचा आपने देखा एक बार में मैंने सबसे मैक्सिमम एलिमेंट को लास्ट पे पहुँचा दिया दो एलिमेंट uh, दो साइज को सेलेक्ट करके देन स्वैप करते करते सो so, ये हो गया फोर टू वन सिक्स नाउ क्या मैं सेम काम फोर से कर सकता हूँ फोर टू को स्वैप करूँ देन वापस से स्वैप करूँ तो ये हो जाएगा टू वन फोर सिक्स नाउ सेम काम टू वन से स्वैप करूँ वन टू फोर सिक्स आप देखो क्या ये कुछ बबल्स और जैसा नहीं लग रहा कि आप एक एक एलिमेंट को एट द एंड पहुंचा रहे हो जो कि सबसे मैक्स एलिमेंट है और अगर k की वैल्यू आपकी ग्रेटर देन इक्वल टू टू है इसका मतलब k की वैल्यू टू हमेशा ले सकते हैं यानी कि दो साइज़ का सबेरे आप हमेशा ले सकते हो और दो साइज़ के सवेरे को अगर आप स्वैप कर रहे हो यानी आप दो नेबर्स को स्वैप कर रहे हो और यही तो आपकी सॉर्टिंग एल्गोरिथम करती है नॉर्मल सेलेक्शन इंसर्शन बबल जो भी आप करते हो उसमें स्वैप ही तो बेसिकली होता है तो अगर के की वैल्यू आपकी ग्रेटर देन इक्वल टू टू है यानी आप हमेशा स्वैप कर पाओगे दो नेबर्स को और अगर आप हमेशा दो नेबर्स को स्वैप कर पाओगे इसका मतलब आप हमेशा किसी एरे को सॉर्ट कर पाओगे प्रॉब्लम तब होगी जब के की वैल्यू वन हो जाएगी अब आप एक साइज का एलिमेंट ले रहे हो अब एक साइज के एलिमेंट को रिवर्स करने का मतलब ही नहीं हुआ कुछ वही एलिमेंट रह गया बट यहाँ पर भी एक केस पड़ सकता है सपोज मेरी एरे वापस पहले से ही सॉर्टेड हो वन टू फोर सिक्स और के की वैल्यू वन गिवन है तो इसमें हमें सॉर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है तो यहाँ पे भी आंसर यस yes हो जाएगा तो दो केसेस में मेरा आंसर यस होगा पहला या फिर के की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू टू है तो मैं हमेशा सॉर्ट कर पाऊँगा और हमारा आंसर यस yes हो जाएगा सेकेंड केस है अगर जो मेरी एरे है वो ऑलरेडी सॉर्टेड है सो so, इस केस में भी हमारा आंसर यस yes हो जाएगा और बाकी किसी केस में हमारा आंसर नो हो जाएगा सो so, इसका कोड लिख लेते हैं कोड मैं आपको वैसे भी प्रोवाइड कर दूंगा बट अभी पाइथन में कोड लिख लेते हैं पहला टी है नंबर ऑफ टेस्ट केस देन एन और के और एक एरे लेना है सो so ये हमारा एडिटर है लेट्स टेक आर टी सो टी इज इक्वल टू एंट ऑफ इनपुट साइज बड़ा कर लेता हूँ इसका ठीक है एवरी टाइम यू हैव टू टेक टू वैल्यूज सो फॉर अंडर स्कोर इन रेंज टी

एक काम करते हैं एक फंक्शन बना लेते हैं जो चेक करेगा कि कोई एरे सॉर्टेड है कि नहीं इज सॉर्टेड और वो भी असेंडिंग ऑर्डर में इसका एन भी ले, ले लेते हैं फॉर आई इन रेंज वन से लेकर एन तक एन माइनस वन तक चल जाएगा अगर हमें कोई भी एरे ऑफ आई ऐसा मिल गया है जो कि छोटा है एरे ऑफ माइनस वन से इसका मतलब ये सॉर्टेड नहीं है एरे ऑफ आई अगर छोटा निकल जाए एरे ऑफ आई वन से तुरंत मैं रिटर्न फॉल्स कर दूंगा और अगर कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं हुई तो एट द एंड आई विल रिटर्न ट्रू नाउ फर्स्ट आई विल चेक दैट क्या मेरी जो एरे है ये सॉर्टेड है अगर एरे मेरी सॉर्टेड होगी तो मेरे को कुछ करना ही नहीं सिंपल प्रिंट कर देंगे यस एल सिफ या एलिफ़ बोल दो अगर के की वैल्यू ग्रेटर देन है या इक्वल टू हेड टू है नेबर्स को हम हमेशा स्वैप कर पाएंगे स्वैप कर पाएंगे तो शॉर्टिंग हमेशा कर पाएंगे अदरवाइज वी विल प्रिंट नो तो दिस इज द ओवरऑल कोड वैट यू कैन सी नाउ लेट मी सबमिट दिस कोड ऑलरेडी मैंने सबमिट कर रखा है बट लेट्स डू इट वन मोर टाइम ओके नाउ लेट्स टेक दिस टेस्ट केस रन करते हैं यहाँ पे रन टाइम एर दे रहे हैं क्या दे रहे है इज शॉर्टेड क्या है इफ इज शॉर्टेड ऑफ अरे में भी कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हुई क्या ओके okay, एक एक आर्गुमेंट नहीं पास करा मैंने एन बी पास हो गया यहाँ पे चार बार यस yes आया है एक बार नो no आया है ठीक है नाउ लेट सबमिट दिस कोड ओके सबमिट सो सल्यूशन एक्सेप्ट हो चुका है आई विल प्रोवाइड C++ प्लस प्लस एज वेल एजर सोल्यूसन इन द कमेंट बॉक्स सो चेकआउट करो और अगर नहीं पता हम एक 90 डेज चैलेंज कर रहे हैं जहाँ पे हर दिन हम एक क्वेश्चन देते हैं जो कि सी से रिलेटेड होता है दैट यू कैन यूज़ टू बिल्ड योर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स सो चाहो और क्वेश्चन सॉल्व करो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में